राउंड के उत्तरी छोर से बड़कोटम हाईस्कूल की टीम और राउंड के दक्षिणी छोर से रेड कलर की जर्सी में ये हमारे बांदा की टीम है। दोनों टीम से एक पढ़कर के अनुभवी प्लेयर्स का सिलेक्शन ये हम देख पा रहे हैं। इसी बीच मैच रेफरी कैनी सबांतो सर सही की जर्सी में यहाँ एआर2 में मिथुन विश्वास सर, एआर1 में है संजीव सरकार सर, इन तीनों रेफरियों के देखने के लिए ये मैच का संचालन होता है। और साथ ही साथ जितने भी अतिथि मंच पर मंचासीन है हमारे अतिथि का इस गांव की इस क्षेत्र के जितने भी सम्मानित हमारे लोग हैं सबका और एक बार इस टूर्नामेंट के आज के इस फर्स्ट डे में आप सबका आदिवासी एफएम गावता क्लब गोपालपुर हिरनपुर पाकुड़ की ओर से आप सबको दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप सभी अपना बेशकीमती समय हमें देकर के हमें जो सहयोग हमें जो आप सबका सपोर्ट मिल रहा है हम दिल से आप सबका धन्यवाद अदा करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर 14 नंबर इस बार बांदा की टीम ने गेंद को एक समांतर दिशा में खेल दिया वहां पर क्रिस्टियानो के लिए जो कि 10 नंबर पर खेल रहे हैं क्रिस्टियानो, 7 नंबर पर जूनियर जो कि फर्स्ट राउंड के मैच में गोंडा के विरोध में इन्होंने पहला गोल लगा था जूनियर ने, 7 नंबर जो कि एक फॉरेनर प्लेयर्स है। और निश्चित रूप से अगर हम देखें बड़भुट्टो टीम का बड़भुट्टो महेशपुर जो कि आज फर्स्ट राउंड के ओपनिंग मैच में बहुत ही कमाल का खेल दिखाए थे महेशपुर की टीम, 1-0 से पीछे जरूर थे लेकिन यहाँ पर सेकेंड हाफ के अंतिम समय पर मैच को वापसी किया था और जो एडिट टाइम उसमें जोड़ा गया था 3 मिनट के एडिट टाइम के अंदर सेकेंड गोल देकर के अपनी टीम को 2-1 से लीड करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया है। जिससे कहीं ना कहीं इनके खेल को देख करके दर्शक काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो इस प्रकार का कमाल का खेल क्या इस क्वार्टर राउंड में खेल पाएंगे बड़कोटम हाईस्कूल की टीम या यहाँ पर एफसी मालदा। राजन किसको टीम रन करता है 14 नंबर लेकिन भी आप साइड ना कौन अटे पॉइंट डिसीजन होता है कौन सहायक रफिया संजीव सरकार सर हाँ को किसी तरह से बीच अफ्रीकी की दर्जी हुआ karam dinya partem dinya kenal am dinya sangka do ke babu karam dinya namara kicak kenapa kicak kenapa देसी सिम करा तो इस बार सितारा भैरव गेंद को कनेक्ट करने के बाद पीछे खेल लिए जैक्सन मुर्मू फर्स्ट टाइम शॉट लेकिन ये जो शॉट ट्राई किए ये पोस्ट के बाहर निकल दी थी यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो डायरेक्ट सुपर फोर में अपना जगह सुनिश्चित कर लेंगे। बिल्कुल किसको चला था सौ सत्तर सर के आसपास में क्रिस्टियानो बांदा टीम से 10 नंबर वहां पर जूनियर के लिए खेलते थे जूनियर पीछे पास करने के बाद लेकिन यहां पर राजन किसको महेशपुर टीम से गेंद पर आगे निकाल दिए लेकिन वहां पर गेंद प्ले से बाहर
लेने के बाद वहां पर एयर के पीछे इस बार देवीधर किसको है वहां राइट प्लेन के क्षेत्र से डीप में जाने का प्रयास, लेकिन उसको थोड़ा सा खींचने का प्रयास किया और निश्चित रूप से वहां पर एक फ्री किक कंसीड कर लेंगे इस बार बद गुटू महेशपुर की टीम। अच्छा डिसीजन वहां पर सहायक रेफरी की भूमिका में ई आर वन में संजीव सरकार सर के द्वारा। तिरछा एंगल से एक अच्छा सा अवसर बनेगा फर्स्ट गोल के लिए टीम के कैप्टन वहां पर राजन शॉट लेते हुए वहां थोड़ा सा उनको स्पेस दे दे शॉट लेने के लिए। रन थोड़ा सा लंबा बनता था लंबा रन वहां लगाते हुए राजन शॉट लगाया तगड़ा। क्या सीताराम गेंद को कनेक्ट कर पाएंगे गेंद के पीछे वहां पर हावी होते हुए सीताराम हेम्रम पीछे खेल दिए इस बार साइबर हेम्रम के लिए क्रॉस निकल गया है इस बार हीरा हेम्रम वहां गेंद के पीछे हीरा गेंद को कनेक्ट करने के बाद धन का शॉट लेकिन कीपर बिट्टू किसको कमाल का वहां पर कीपिंग करते हुए ऐसा ऐसा जैसे जैसे समय बीतते जाएगी समय निकलता जाएगा खेल में एक बेहतर लाइन एक बेहतर मुकाबला हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे जैसे समय बीतती जाएगी खेल में थोड़ा सा देरी पर दोनों टीम लाना चाहेगी। ये देखो बहुत ही सुंदर पास इस बार निकलते हुए तीन नंबर पर पिट्टू के ग्लव्स में आज जूनियर का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है अभी तक अपने टीम के लिए। फर्स्ट राउंड के मैच में भी एक गोल लगा सेकंड राउंड के मैच में भी अभी तक एक गोल लगा है जूनियर के खाते पर व्यक्तिगत गोल अभी तक दो है। जो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार क्लब भारतीय माता के लिए जो हमारे प्रिंसिपल है उनके द्वारा जो फर्स्ट गोल के लिए 1,000 करोड़ रुपया का जो स्पॉन्सर राशि था वो जूनियर के नाम जाती है। इसकी गेंद को क्लियर करेंगे लेकिन साइबर हेम्रम ने गेंद को आगे खेल दिया। और इसी पीछे प्लेयर्स यहाँ इंजर्ड होते हैं टीम के कैप्टन राजन और समय रिकुसर इस मैच में काफी है क्योंकि यह फर्स्ट हाफ का लगभग शुरुआती समय है लगभग ज्यादा समय हुआ नहीं है कहने लगी यह फर्स्ट हाफ का 10वां मिनट अभी तक प्रगति पर है और एक सुनिए से भी अपना मानते थे कि तो निश्चित रूप से समय के हिसाब से हम भी कुछ भी कह नहीं सकते अगर प्रयास महेशपुर टीम का रहा तो निश्चित रूप से इस मैच को कभी भी हम वापसी कर सकते हैं। ठीक है सर और बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपके विस्तार पूर्वक हम मार्गदर्शक दिखाओ को इसमें काम करने का हाल
बारी बारी से सुनाने का प्रयास जो किया और मैं यहाँ पर मंच पर भी हमारे विराजमान है उतने एक बार आदिवासी माता का अभिनंदन यहाँ पर तो मैं और माता की टीम में लगा जा रहा हूँ जिसमें शुरुआती चरण में यहाँ एक घंटा कर अपनी टीम को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करते हुए ऐसी माता की टीम थोड़ा सा यहाँ की टीम जोर में थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ एक नुकसान देखने को मिला यहाँ पर कुछ महसूस होते लेकिन यहाँ समय काफी लोगों को टीमों के पास और यहाँ हर समय प्रयास करेंगे खास करके परंतु को महसूस की जाए क्योंकि वो जानते हैं कि गैस को किस वक्त किस तरह से